पाकिस्तान स्काउट का भी ऐलान हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जाहिर है कि कुछ प्लेयर्स उनके भी मूव हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, दोनों का कंपेरिजन कैसे करते हैं? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि बाबर आजम को लेकर हम करते हैं PSL में कैप्टनसी उनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है या ये कि इश्यूज क्रिएट हुए, तो उनको कैसे कॉन्फिडेंस बूट करेंगे? देखिए, बाबर आजम दुनिया का नंबर वन प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के लिए आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। T20 क्रिकेट PSL की जैसे एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच जो मैं कहूँगा, इसमें जो जिसको मोमेंटम मिल जाए, जिस टीम को मोमेंटम मिल जाए, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है जिसको मोमेंटम मिल जाता है, और सारी छः की छः टीमें बहुत तगड़ी हैं, और जिस टीम को मोमेंटम मिलता है वो एच ले जाता है, दौड़ में आगे निकल जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली कराची की टीम भी अच्छी है, बुरी नहीं है, बट उनको मोमेंटम नहीं मिल पाया। बाकी टीमों को जैसे मुल्तान सुल्तान है या इस्लामाबाद यूनाइटेड है, दूसरी टीमों को लाहौर कलंदर, उनको मोमेंटम अच्छा मिल गया, इनको अनफॉर्चुनेटली मोमेंटम नहीं मिला। चैंपियन रह चुके हैं और बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेल रही कराची किंग ने। छः टीमें इसमें, जैसे मैंने पहले कहा, किसी ना किसी टीम को तो नीचे पीछे रहना पड़ेगा, और मोमेंटम की बात है इसमें T20 में ज़्यादातर, तो गालिबन इनको मेरी जो सोच है, मोमेंटम नहीं मिला। बाबर नो डाउट अबाउट हिम के वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने बहुत सारे ऐसे नॉक पाकिस्तान के लिए किए, और स्ट्रॉन्ग लीडर है, ग्रेट प्लेयर है, और इक्वली गुड है, चाहे स्पिन है चाहे फास्ट बॉलिंग है, और हर फॉर्मेट में वो हर एक्सपर्ट दुनिया का उसका नाम देता है, चाहे उसकी कवर ड्राइव की बात कर लो, चाहे वो किसी और चीज़ की बात कर लो, कभी पेस के खिलाफ स्पिन के खिलाफ कैसा खेलता है। चांद के आगे बदली आती है, पर चांद चांद ही रहता है, बदली जब हट जाती है चांद फिर चमकना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शायद भाई किसान भाई, सकी भाई, ये जो सीरीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं, लेकिन आप किस तरह की विकेट सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर स्पोर्टिंग ट्रैक हम बनाते हैं, उनके पास भी पेस अटैक बहुत अच्छा है, स्पिन अटैक उनके पास तीन है, नाथन लियन आप जानते हैं, फिर स्वैप्सन है, फिर उसके बाद उनके पास एस्टन अगर है, हमारे पास लेग स्पिनर क्वालिटी का नहीं है, जैसे एक सवाल किया गया था, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? पाकिस्तान टीम का पूरा टेस्ट होना चाहिए, थोड़ा ग्रीश स्पोर्टिंग ट्रैक होने चाहिए? देखिए, ये स्ट्रैटेजी जो है ना, वो ऐसे ओपनली बात नहीं करनी चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, जैसे सीरीज आएगी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज थी और क्या प्लान थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इंशाल्लाह काफ़ी इसके ऊपर सोच विचार भी हो रही है और हुई है, और काफ़ी हम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं, और आज से हमारा जो ऑफिशियली कैंप शुरू हुआ है ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हुए, तो इंशाल्लाह ये स्ट्रैटेजीज ऐसे पहले नहीं बतानी चाहिए। महमूद शोएब अपने पास। अच्छा सकी भाई, आप क्या समझते हैं कि कैंप शुरू हुआ है लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट बहुत कम हो रही है, आपने दो तीन चीज़ें क्या मार्क की गई हैं कि जिन पे इस कैंप में काम करने की अच्छा जरूरत है? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हुए ही आपने अपने हदफ बनाने होते हैं, और उन्हीं को सामने रखते हुए जो है हमारा ये कैंप शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम लोग फिर पिंडी जाएंगे तो PSL वाले खिलाड़ी भी सामने आ जाएंगे, तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया को सामने रख के उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हमने कैसे उनके खिलाफ स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे उनको डोमिनेट करने की कोशिश करनी है, तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह प्लान बनाए। सकलैन भाई, बहुत मुबारक हो कि परमानेंटली आप हेड कोच हो गए, फाइनली पाकिस्तान ने रियलाइज़ कर लिया कि आपको होना चाहिए। जिस तरह खिलाड़ी अच्छे हों तो कप्तान की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, इसी तरीके से हेड कोच के पास निचला स्टाफ जो है वो तगड़ा हो तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है। शॉन टेट हमने एक साल के लिए लगा ली है, मोहम्मद यूसुफ हमने सिर्फ एक सीरीज के लिए लगाए, जबकि हम अमूमन बैटिंग में ही स्ट्रगल करते हैं। आप नहीं समझते कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास जैसा मोहम्मद यूसुफ था तो उसको भी लंबा टाइम देना चाहिए, लेकिन एक एक सीरीज पर अगर हम कोचेस लाएंगे तो कौन सिखाएगा और क्या कोई समझेगा? देखिए, मैं भी जैसे आया पहले पाकिस्तान टीम के साथ, तो मैं भी शॉर्टर पीरियड के लिए आया, इंटरम के लिए आया। इंग्लैंड के साथ मैंने काम किया, वो भी ऐसे ही शॉर्टर पीरियड के लिए लेके आए। यूसुफ की जो स्किल्स हैं उसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है, वेल्थ ऑफ नॉलेज है उसके पास, और जितना बड़ा खिलाड़ी रहा, जितना उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो सारी चीज़ें वो हमारे सामने वो कर रहे हैं काम, NHPC में रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों के साथ, तो NHPC में भी इनके साथ काम करता रहे, और अब ये फिर यहाँ पे एक नेशनल लेवल पे उनको अपॉर्चुनिटी दी गई है। आपका सवाल जो है उसमें कि भी आप इनको भी परमानेंट या एक साल के लिए कर देना चाहिए था, बहरहाल ये यूसुफ और PCB ये देखेंगे वो बैठ के क्या डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक मेरा सवाल ये था कि आप हेड कोच हैं तो आप नहीं चाहते कि आपके साथ जो स्टाफ काम करे लंबे टाइम के लिए हो?
देखो स्टाफ के साथ जो टीम चलती हैं कोचिज़ जो आप लेके जाते हैं, आसानी और बेहतरी ऐसे ही होती है कि एक पूरी टीम चले और उनको एक हदफ दे दिया जाए कि मैं एक साल तक है या दो साल तक है। तो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है इसमें, बट इसको यूसुफ को अगर आप कह रहे थे कि उसको भी बीच में कर रहे थे, यूसुफ ऑलरेडी काम कर रहा है उनके साथ, तो एक असाइनमेंट के लिए आया। देखते हैं आगे फ्यूचर में चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है। यूसुफ बहुत बड़ा नाम है, आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए भी, खिलाड़ियों के लिए। अच्छा सिग्लेन भाई, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन पाकिस्तान की कंडीशन में बड़ा डिफरेंस है, तो पाकिस्तान टीम को कितना एडवांटेज होगा अपनी होम कंडीशन के ऊपर? और दूसरा, सरफराज नहीं होंगे इस सीरीज में, तो बस इसी से लिंक है। अच्छा बता दें कितना कमी महसूस करेंगे? होम सीरीज का एडवांटेज तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो क्लाइमेट ले लें, पिचेस ले लें, एनवायरनमेंट ले लें, हर चीज़ का एडवांटेज तो होता है। बट ये भी हमें जहन में रखना पड़ेगा, दुनिया की नंबर वन टीम है और बहुत बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलती है, तो ये नहीं कि हम सिर्फ एडवांटेज को बैठ के अपने प्लान्स की स्ट्रेटजीज को जो है वो उसकी प्रेपरेशन ना करें, उसकी एग्जीक्यूशन ना करें। एडवांटेज डेफिनेटली होता है, बट आपको तगड़ी, हमें तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और जो प्लान स्ट्रेटजीज बनाए उनकी एग्जीक्यूशन सही करनी पड़ेगी। दुआ करते रहिएगा, इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जाहिर जिशार और फारूक भाई, लास्ट थ्री क्वेश्चन। इस तरह बात की कि उनकी कमी मैच होगी सरफराज की, आप इधर ही भी सफ़र कर रहे हैं इंजरी को लेकर, शायद मसूद उनकी जगह आए हैं, तो शायद उससे पहले भी आजमा चुके हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो आप इधर की कमी महसूस होगी आपको? यार देखो, उसने आउटस्टैंडिंग किसी भी परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश में भी और पहले भी। पहले तो दुआ करें सारी कौम उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और वो वापस आए। जाहिर है परफॉर्मर जो होते हैं आप उसको मिस कहते हैं, अच्छी कहते हैं, तो मिस तो करेंगे, बट ऑब्वियसली ये जितने भी हैं ये बाकी से बेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के, और परफॉर्मेंस दे के आए हुए हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हुआ उन्होंने, और लंबी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। डोमेस्टिक में भी एविडेंस इनफ दिए हुए हैं कि आपको जो है वो इन खिलाड़ियों को इस लेवल पे मौका दुआ हुआ, तो आप इसको डेफिनेटली मिस तो करेंगे। अल्लाह करे, अल्लाह जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस इतनी दी हुई है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, खुशाइन बात है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अरसे के बाद गालिबन 24 साल के बाद आई है और पूरी कौम लुक फॉरवर्ड कर रही है, और आई थिंक पीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, फैंस को, हम सब को, कि उन्होंने बड़ी एफर्ट की और ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बड़ी अंतक कोशिशें की, एफर्ट की, और ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं कि वो भी पाकिस्तान आ रहे 24 साल के बाद। आई एम श्योर खिलाड़ी भी, फैंस भी बड़े एक्साइटेड हैं और लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बहुत अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी।